राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में चोरी, लूटपाट, झपटमारी और हत्या जैसी वारदातें आम बनती जा रही हैं। एक ऐसा ही मामला दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से सामने आया है, जहां दो युवकों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरा छोटा भाई आया था घर पे, राहुल नाम है उसका। कुछ लड़के आए ठिये पे मेरे दुकान पे, वो लड़के आए, वो उसको बूझने लग गए कि तेरा भाई कहाँ है। पहले मेरे बड़े वाले भाई को पूछा, मैंने मना कर दिया। वो तो भाई कहीं गया हुआ है, बहन के घर गया हुआ था। तो ये छोटा वाला भाई आया दुकान पे, ये लड़के आए, इसको बुला के लेंगे पार्क के अंदर, वहाँ जाके चाकू मार दिया। वो लड़का ना मेरा भाई छोटा वाला, वो भागता हुआ आया, खून में था, उसको मैंने उठाया एकदम, वहीं गिर गया। शायद रिक्शा विक्शा करवाया, मैं जाके फिर संजय हॉस्पिटल ले गया वहाँ से। वहाँ जाके पुलिस वालों को 100 नंबर कॉल भी करी थी हमने, वहाँ जाके पता चला कि डेथ हो गई छोटाले भाई। पुलिस की क्या कार्रवाई रही इसकी? पुलिस की कोई कार्रवाई हुई नहीं सर, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। गुंडे बदमाश है, वो कौन है? जेल से छूट के आया, कोई बात भी नहीं, बातचीत भी नहीं दी, पता नहीं क्या रंजिश है क्या नहीं, ये मैटर नहीं पता हमें। कौन लोग हैं, क्यों मारा है? नाम सर एक तो टिल्लू लड़का था, उसके साथ लड़के थे, 5-6 लड़के थे। अरे वो आपको पूरा जो उसको पूछ रहा था सर, वो कैसे मारा, कैसे उनको सर? चाकू से मारा, गले में चाकू मारा, पेट में चाकू मारे, उसे ब्लेड भी मारे हैं। बहरहाल पुलिस ने वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामला भले ही आपसी रंजिश का बताया जा रहा हो, लेकिन इस वारदात के बाद एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, जिससे एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया और घर में मातम पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।